जय महाकाल, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ बहुत शानदार होंगे। तो आज के समय में व्यापम यानी कि हमारा पीईबी वर्ग दो चयन परीक्षा जो सबसे पीछे चल रही है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि भैया आप क्या करें, क्या ना करें, कैसे करें। रेलवे का जो एनटीपीसी का है उसमें फॉर्म भर दिया है, तो अब रेलवे की प्रिपरेशन कर दें, इसको छोड़ दें, या कि व्यापम की दूसरी परीक्षाओं की तैयारी करें, या कि एसएससी की तैयारी करें, या कि असिस्टेंट इंजीनियर की तैयारी करें, किसकी तैयारी करें, क्योंकि वर्ग दो परीक्षा आ नहीं रही है। पात्रता परीक्षा हो गई है, चयन परीक्षा नहीं आ रही है। कब आएगी? जो एक्सपेक्टेड है कि 2025 में ही ये पेपर होगा, क्योंकि 2024 तो अब निकल जा रहा है, अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया है, तो ये निश्चित है कि 2024 में तो पेपर नहीं होगा। अब पेपर होगा 2025 में, और 2025 में कब होगा ये मैंने मंथ भी ऐसे डैश डैश लगा दिया कि भैया किसी को नहीं मालूम कब होगा। नोटिफिकेशन कब आएगा ये भी क्वेश्चन मार्क है, एग्जाम कब होगा ये भी क्वेश्चन मार्क है। अभी तक वैकेंसीज ही डिसाइड नहीं हो पा रही है स्कूल शिक्षा विभाग से कि आखिरकार वैकेंसी कितनी आएगी। वैकेंसी तो ये आएगी 10,000 के आसपास तो आएगी, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 10,000 प्लस वैकेंसीज आएगी, लेकिन कब आएगी अभी डिसाइड नहीं हुआ है, और 10,000 के आसपास आएगी तो कितनी आएगी ये भी डिसाइड नहीं है। तो फिर इस वीडियो बनाने का पर्पस क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आ जाती है कि जब कुछ है ही नहीं तो वीडियो क्यों बनाना। तो ये भी बात सही है कि वीडियो क्यों बनाना, तो वीडियो बनाने की आवश्यकता इसलिए है कि अभी जो करेंट टाइम पे रेलवे की बहुत सारी जॉब निकल रही है, तो जिसकी प्रिपरेशन है वो रेलवे में भी भर सकता है, लेकिन जो आधे अधूरे लोग हैं, ये वीडियो उन आधे अधूरे लोगों के लिए है कि जिसकी एमपी टेट वर्ग दो में भी अच्छी तैयारी नहीं है। अगर परीक्षा हो जाए अभी एमपी टेट वर्ग दो की, अगर परीक्षा अभी हो जाए तो उनका सिलेक्शन नहीं होगा। वो नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उनका सिलेबस भी कवर नहीं है, प्रिपरेशन बिल्कुल नहीं है, दिन के आधे घंटे नहीं पढ़ते, लेकिन इस तैयारी में है, इस जोश में है कि भैया नोटिफिकेशन आ जाए उसके बाद तैयारी करेंगे, और नोटिफिकेशन आएगा एक महीने बाद पेपर होगा, यही साल चल रहा है। और एक महीने में चयन परीक्षा इतनी आसान नहीं है, कंपटीशन बढ़िया होगा। तो अगर आपकी तैयारी बहुत बेहतर है, आपको लगता है कि हम रेलवे की भी परीक्षाओं की तैयारी कर सकते हैं और वो निकाल सकते हैं, तो भैया आप उसमें लग जाओ। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि भैया एमपी टेट वर्ग दो की हमारी तैयारी बेहतर नहीं है, हम इधर से जाके फोदक के रेलवे में पहुंच जाएं, और रेलवे में पहुंच के उसकी प्रिपरेशन कर लें, और उसकी प्रिपरेशन करने के बाद हमारे 50-60 नंबर आ जाएंगे उसमें और उसमें सिलेक्शन हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। रेलवे में और ज्यादा कंपटीशन है। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि भैया आप तैयारी मत करो, तैयारी आप अपने आप को पहले जानो, अपनी पढ़ाई को जानो, उसके बाद फॉर्म डालो। फॉर्म डालने से सिलेक्शन नहीं होती। अभी रेलवे में 1 करोड़ लोगों के फॉर्म डलेंगे, डल चुके होंगे, 1 करोड़ से ज्यादा लोगों के फॉर्म डल चुके होंगे। अब आप समझो कि 1 करोड़ में आपको कितना लगता है कितने लोग सीरियस होंगे? 2-2.5 लाख ऐसे होंगे जो सीरियस कैंडिडेट होंगे, बाकी तो सब ऐसे ही होंगे जो आधे एक घंटे पढ़ते हैं और फॉर्म डाल दिया उन्होंने, और आधे एक घंटे पढ़ने से भैया सिलेक्शन नहीं होता। सिलेक्शन के लिए 7-8 घंटे रेगुलर बेसिस पे आपको बैठना पड़ता है, तब जाके सिलेक्शन होता है। तो मैं बस ये बोल रहा हूं कि अगर आपकी तैयारी बहुत अच्छी नहीं है वर्ग दो में और आप रेलवे की तरफ जा रहे हो, तो ये आप अपना नुकसान कर रहे हो भाई। आपके पास समय है, पेपर नहीं हो रहा है तो इसका मतलब क्या है? समय है। और ये भी नहीं है कि पेपर होगा नहीं। 2025 में जनवरी, फरवरी, मार्च, इन 3 महीनों में कब किसी ना किसी महीने में आपको वर्ग दो का पेपर देखने को मिलेगा। साथ ही 1 लाख और वैकेंसी का वादा किया है मुख्यमंत्री साहब ने, तो वहां से भी अगर कुछ वैकेंसीज निकल के आती है तो आप मैथ पढ़ते रहो, रीजनिंग पढ़ते रहो, एमपीजी के और जीएसए पढ़ते रहो, यही सारी चीजें तो पूछी जाती है, तो उसकी भी प्रिपरेशन कर सकते हो। बाकी एसएससी है, रेलवे है, यूपीएससी है, लोग 1 घंटे की पढ़ाई नहीं करते और यूपीएससी का फॉर्म डाल देते, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। एमपीपीएससी के लिए आधे घंटे दिन में पढ़ेंगे और एमपीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उस कैटेगरी में आप मत आओ, आप अपना टाइम खराब मत करो, टाइम वैसे ही बहुत खराब हो चुका है। अब आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि आने वाले टाइम पे जब भी वर्ग दो चयन परीक्षा होगी उसमें सिलेक्शन हम ले लेंगे, ये सोच के आप पढ़ाई करो। हो सकता है 6 महीने बाद पेपर हो, लेकिन आपकी तैयारी तो वैसी होनी चाहिए ना कि भैया ठीक है पेपर जब कभी हो जाएगा, हमारी तैयारी चल रही है और उस तैयारी के दम पे हम सिलेक्शन ले लेंगे।
और किसी भी पेपर को आसान नहीं समझना है। अगर आप 100 नंबर के मॉक टेस्ट में अगर आपके 75 नंबर आ रहे हैं तो इसका मतलब ये मत समझ लेना कि आपका सिलेक्शन हो जाना है। अगर 100 नंबर के मॉक टेस्ट में आपके 90 प्लस आ रहे हैं तब आप समझो कि आप सिलेक्शन वाली रेस में हो। अगर 90 से नीचे आ रहे हो तो आपको और इंप्रूव करने की जरूरत है। तो इस बात को आप भरी बात समझो और इधर उधर फुदकने की कोई आवश्यकता नहीं। अगर आप वर्ग दो चयन परीक्षा की तैयारी में जुटे हो तो बस उसी में जुटे रहो, क्योंकि बाकी बहुत सारे फॉर्म भर दोगे और फॉर्म भर देना इसका मतलब बहुत सारा टाइम बर्बाद हो जाना। फॉर्म भर दोगे, थोड़ी बहुत पढ़ाई करोगे और थोड़ी बहुत पढ़ाई में उधर भी सिलेक्शन नहीं होगा और इधर की भी तैयारी डिस्टर्ब हो रही है। आप समझ रहे हो उस बात को? जैसे फॉर्म भर दिया, थोड़ी बहुत पढ़ाई करने लगे, आपको लगता है थोड़ी बहुत पढ़ाई में सिलेक्शन होना है, नहीं होना है। तो आप थोड़ी बहुत पढ़ाई जो उधर करने वाले हो, ये थोड़ी बहुत पढ़ाई इधर ही ऐड करोगे तो इसमें क्या होगा, रिजल्ट प्रोड्यूस होगा। मेरे कहने का मतलब ये है। और बाकी अगर आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो कि भैया हम बाकी सारे एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं और निकाल सकते हैं, साथ में ये एग्जाम की भी तैयारी मेरी चलती रहेगी, तो आप तो फिर बहुत अच्छे, तैयारी करो, कोई नहीं रोक रहा है। तो बस इस पर्पज से मैंने ये वीडियो बनाया। वैकेंसीज बहुत आ रही है, वैकेंसीज आना मतलब डिस्ट्रैक्शन, अब समझ लो, क्योंकि तैयारी हमारी उस एग्जाम की भी नहीं है जिसमें हम फॉर्म डाल रहे हैं। तो भैया ऐसे एग्जाम में फॉर्म क्यों डाल रहे हो आप जिसकी प्रिपरेशन है ही नहीं? आप तो क्या पढ़ा रहे हो, सिर्फ जबरदस्ती का 500-700 रुपए जिसको आप दे रहे हो। बाकी अगर सिलेक्शन नहीं होना है तो फॉर्म मत डालो। और मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, अगर आप जागरूक स्टूडेंट हो, तो जाहिर सी बात है आपको लग जाएगा कि इस पेपर मेरा सिलेक्शन होगा और इस पेपर मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। और वो कैसे लगेगा, आपकी तैयारी के हिसाब से। तो अगर आपकी तैयारी बेहतर है तो बाकी हर जगह फॉर्म डालिए, और अगर आपकी तैयारी एमपीटेट वर्ग दो में भी नहीं है तो बाकी जगह फॉर्म मत डालिए। इसी को आप बढ़िया कीजिए, जब कभी पेपर होगा आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो बस इतना ही मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा था कि भैया तैयारी में लगे हो, लगे रहो, मत छोड़ो, क्योंकि नोटिफिकेशन आ जाएगा, जब पेपर आने वाला होगा तब आपको पता चलेगा इस टाइम की वैल्यू। तब आपको लगेगा कि अरे यार मेरे पास बहुत टाइम था और मैंने बहुत टाइम बर्बाद कर दिया, अगर उस टाइम को यूटिलाइज कर लेता तो शायद मेरा आज अच्छा मार्क्स आता और सिलेक्शन हो जाता। तो ये जो चाहत है ना वो उस टाइम पे आएगी और उस टाइम आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा। और आपको भी बता देते हैं, जो ये वर्ग दो चयन परीक्षा है अगर एक बार हो जाएगी तो वो 4-5 साल बाद ही होगी, हर साल नहीं होने वाली। 6 महीने बाद फिर वो बैंकिंग वाला एग्जाम है कि 1 साल बाद फिर होगा, नहीं होगा। अगर एक बार चयन परीक्षा 2025 में होगी तो आप 30 तक समझो कि 2030 में जाके फिर से वर्ग दो की चयन परीक्षा होगी, उसके पहले कुछ नहीं होगी। तो 5 साल आपके पास क्या है, 5 साल में तो और बहुत सारे कैंडिडेट भी बढ़ेंगे और आपका जो मोटिवेशन लेवल है वो लगातार कम होगा। तो आपके पास जो अभी टाइम है उसको यूटिलाइज करो, अपने सब्जेक्ट को इम्प्रूव करो और मॉक टेस्ट के हिसाब से अपनी प्रैक्टिस को क्या करो, एनालाइज करो। 90 प्लस अगर आपके आ रहे हैं तो अब आपको प्रैक्टिस उसी स्मूथ वे में करते रहना है जब तक कि पेपर नहीं हो जाता। सो आई होप कि ये इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। बाकी आप सभी को मालूम है ये कंटेंट अवेलेबल है आपके चैनल में, चैनल का नाम आपको मालूम ही है, रीवा स्टडी हब। टेलीग्राम में आप जब भी रीवा स्टडी हब नाम डालेंगे तो आपको एक चैनल मिल जाएगा, उस चैनल से आप कंटेंट डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी आपको मैथ्स के लिए कुछ कंटेंट की हेल्प मैं कर दूंगा और आने वाले टाइम पे मैं कुछ लाइव क्लासेस भी स्टार्ट कर रहा हूँ, तो उसमें भी आपको जुड़ना है और मेरे साथ आपको पढ़ाई करनी है। सो थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट। बट डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, अपने आप को तैयारी में लगाए रखना है।